हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब हम जून 2023 के प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। तो किसी भी प्रिपरेशन को तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि UGC नेट का जो समाजशास्त्र का सिलेबस है वह किस तरह से है। तो इकाई 1 जो है समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्री परंपराओं के अंतर्गत दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, यहाँ पे जो अगस्त कामटे की चर्चा नहीं है लेकिन अगस्त कामटे भी पढ़े जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद एवं संरचना। तो इसके अंतर्गत हम ब्रोनिलो मैलिनोवस्की, आर रेडक्लिफ ब्राउन, टैलगट पार्सन, आर के रॉबर्ट के मर्टन या क्लाउड लेवी स्ट्रास को पढ़ेंगे। उसके बाद है व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं के अंतर्गत GH मीट, कालमैन ही, अल्फ्रेड सूट्स, हेरल्ड गॉर्फिंकल, इरविन गॉपमैन, गिलफोर्ड किड्स। तो यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन से जो है 40 से 50% अकेले क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के एग्ज़ाम में, थिंकर वाले सेक्शन से। उसके बाद उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता संरचनावाद उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत एडवर्ड सेड, पियरे बोर्दियू, मिशेल फुको, जुर्गिन हैबरमास आदि को पढ़ते हैं। एंथनी गिडिंग्स और मैनुअल कैसेन उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत, ये सब जो है विचारक हैं। इसके बाद आज भारतीय चिंतक के अंतर्गत किसके, एम के गांधी, भीमराव अंबेडकर, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरिया, MN श्रीनिवास, इरावती कर्वे। तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं क्योंकि इस थिंकर वाले पार्ट से 40 से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी हर चीज़ हमें छोटी से छोटी बातें जो है याद होनी चाहिए। अगला यूनिट 2 है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है, जिसमें शोध प्रविधियाँ और विधियाँ सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत विज्ञान दर्शन, सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, सामाजिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठता एवं परावर्तिता, आचार शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र। उसके बाद शोध अभिकल्प के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, शोध डाटा प्रलेख, आगमन निगमन विधि, तथ्य तथ्य संबोध और सिद्धांत। संबोध को यहाँ अवधारणा भी कह सकते हैं। प्रकल्पना, शोध प्रश्न और उद्देश्य। उसके बाद डाटा किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, डाटा 2 विधियों से कलेक्ट होता है, परिणात्मक एवं गुणात्मक, जिसके अंतर्गत निचाती वर्णन, सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तकनीकों के अंतर्गत निदर्शन, प्रश्नावली, सांख्यिकी विश्लेषण, अवलोकन, साक्षात्कार एवं वैयक्तिक अध्ययन, ये सब देखे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत मौलिक अवधारणाएं एवं संस्थाएं हैं, जैसे समाजशास्त्रीय अवधारणा है, सामाजिक संरचना क्या होता है, संस्कृति क्या है, नेटवर्क क्या है, परिस्थिति और भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य मानदंड एवं नियम, पर्सनहुड, हैबिट्स एवं एजेंसी, अधिकारी तंत्र, सत्ता एवं प्राधिकार। इसके बाद है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत हम विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून एवं रीति रिवाज आदि तथ्यों पर विचार करेंगे, अर्थात पढ़ना है। इसके बाद आता है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण किस तरह से होता है, उसमें के अंतर्गत सामाजिक विभेद, समाज में पदानुक्रम, असमानता, पार्श्वीकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता, दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति और निजाति, ये सब स्तरीकरण के हैं जिनका अध्ययन सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन एवं प्रक्रियाएं। इसके सामाजिक परिवर्तन एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम उद्विकास, प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण और सामाजिक गतिशीलता की बात होगी। उसके बाद आता है यूनिट आपका 4। यूनिट 4 जो है वह आपका ग्रामीण व नगरीय रूपांतरण से संबंधित है।
जिसके अंतर्गत ग्रामीण व खेतिहर समाज, जाति व जनजाति बस्तियां, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध, भू स्वामित्व एवं कृषक का संबंध, कृषक अर्थव्यवस्था का हरा, विकृषकीकरण प्रवसन, कृषक असंतोष, खेतिहर आंदोलन, बढ़ते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा आदि जैसे तथ्यों या अवधारणाओं पर बात करेंगे। उसके बाद आता है नगरीय समाज। नगरीय समाज के अंतर्गत हम नगरवाद, नगरीयता, नगरीकरण, कस्बे, शहर, महानगर, उद्योग, सेवा, व्यवसाय, पड़ोस, गंदी बस्तियां, निजाति, अंतः क्षेत्र, मध्यम वर्ग, गेटेड कम्युनिटी, नगरीय आंदोलन एवं हिंसा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट पाँच। यूनिट पाँच अर्थात इकाई पाँच में हम राज्य, राजनीति और विकास से संबंधित तथ्यों की चर्चा देखते हैं, जहाँ पे भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ, जनजाति, राष्ट्र राज्य, सरहद, अधिकारी तंत्र, अभिशासन एवं विकास, लोकनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएँ, राजनीतिक संस्कृति, तृणमूल, प्रजातंत्र, विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है इकाई पाँच में ही सामाजिक आंदोलन एवं विरोध। सामाजिक आंदोलन एवं विरोध के अंतर्गत राजनीतिक गुट, दबाव गुट, जाति, निजाति, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन, सिविल सोसाइटी और नगरीयता, गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद, नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति की चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था और समाज। इकाई छः, अर्थव्यवस्था एवं समाज के अंतर्गत समाज में विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम बाजार, उत्पादन विधियों का बहस, संपत्ति और संपत्ति का संबंध, इसके अलावा राज्य, बाजार, कल्याण और नव उदारवाद, आर्थिक विकास का मॉडल, गरीब और अपवर्जन, गरीबी अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियां, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, किस तरह से आदिम समाज से लेकर अब तक के श्रम संबंधों में परिवर्तन आया है, लिंग और श्रम प्रक्रिया क्या है, कारोबार एवं परिवार का संबंध क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य क्या है, वैश्विक कारोबार एवं कारपोरेट, पर्यटन एवं उपभोग जैसे संदर्भ में बात करेंगे। अगला है यूनिट सात। तो यूनिट सात जो है यह आपका पेपर वन में भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, पर्यावरण से, पर्यावरण और समाज। तो समाज और सामाजिक पारिस्थितिकी विधिक रूप क्या, कौन कौन से रूप हैं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, कृषि एवं जैव विविधता, देसी ज्ञान प्रणालियाँ और देसी औषधि, लिंग और पर्यावरण, वन नीतियाँ, आदिवासी और अपवर्जन, पारिस्थितिकी ह्रास व प्रवास, विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास, जल और सामाजिक अपवर्जन, आपदा और समुदाय प्रतिक्रियाएँ, पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य एवं दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन है, इन सब का अध्ययन पर्यावरण और समाज यूनिट सात में है। उसके बाद यूनिट आठ हमारा आ जाता है। यूनिट आठ के अंतर्गत हम परिवार एवं विवाह एवं नातेदारी को विस्तृत रूप में देखेंगे, जिसे सैद्धांतिक उपागम, संरचनावादी, प्रकारवादी, वैवाहिक बंधन एवं सांस्कृतिक, उसके बाद लिंग संबंध एवं शक्तिगत की विरासत, उत्तराधिकार एवं प्राधिकार, लिंग, लैंगिकता और प्रजनन, बच्चे, युवा और वयस्क, भावना एवं परिवार, परिवार के उभरते स्वरूप, विवाह की बदलती परिपाटियाँ, देखभाल एवं संपोषण प्रणालियों के बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं आनर किलिंग जैसे तथ्यों पर विचार किया जाता है यूनिट आठ में। इसके बाद आ जाता है यूनिट नाइन। यूनिट नाइन जिसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज की चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय स्थान की बदलती धारणाएँ, प्रवाह और सीमाएँ, आभासी दुनिया क्या है। तो इस बार के जो दिया गया था उसमें आभासी दुनिया से संबंधित एक प्रश्न आया था। उसके बाद मीडिया, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक, सामाजिक मीडिया क्या है, ई अभिशासन एवं निगरानी समाज, प्रौद्योगिकी एवं उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीति, डिजिटल डिवाइड, समावेशन, प्रौद्योगिकी एवं बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ,
खाद्य और प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध के बारे में हम इकाई 9 में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण। इसके अंतर्गत संकेत और प्रतीक क्या है, धार्मिक अनुष्ठान आस्थाएं और प्रथाएं क्या होती हैं, बदलती भौतिक संस्कृति क्या है, नैतिक अर्थव्यवस्था क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, धार्मिक संगठन एवं धर्मनिष्ठा एवं आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान एवं लामबंदी, संस्कृति और राजनीति, लिंग देह और संस्कृति, कला, सौंदर्य बोध विज्ञान और आचार शास्त्र, नैतिक शास्त्र, खेलकूद एवं संस्कृति, तीर्थाटन एवं धार्मिक पर्यटन, धर्म एवं अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, नूतन एवं धार्मिक आंदोलन जैसे तथ्यों पर विचार होता है यूनिट 10 में। तो जैसा कि प्रत्येक एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सिलेबस देख चुके हैं और यह सिलेबस जो है आपको आपके सामने जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप किस किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, इन सबका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूनिट 1 से हम फिर से जो है थिंकर्स के वीडियो स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।